वैश्विक महामारी कोरोना आज पूरे भारत में शहरों से लेकर गांव तक पहुंच चुकी है। हर एक क्षेत्र इस बीमारी के चपेट में आ रहा है। जिला परिषद सदस्य किन्नौर हितेश नेगी ने किन्नौर व प्रदेश वासियों से अनुरोध किया है कि आप सभी इस महामारी से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें और हमारे देश के महान वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई कोविड 19 वैक्सीन को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर जल्द से जल्द लगवाएं, ताकि आप और आपका परिवार इस महामारी से सुरक्षित रहे। धन्यवाद। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन नाम से भाजयुमो किन्नौर द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपियो से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने इस रक्तदान शिविर में भाग लेकर 33वें बार रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर के आयोजन अवसर पर प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने कहा कि मोदी सरकार के सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारत में आज के दिन सेवा ही संगठन के नाम से कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तरह जिला के कई अन्य स्थानों पर भी मास्क वितरित करने के साथ साथ कई बूथों पर सैनिटाइजेशन के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। सेवा ही संगठन नाम से कार्यक्रम हो रहे हैं। आज का विशेष रूप से आज इसलिए चुना गया है क्योंकि आज जो है भारतवर्ष में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल पूरे हो रहे एनडीए सरकार के, और क्योंकि हम पिछले 1 साल से कोरोना महामारी से जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए श्रद्धेय मोदी जी ने पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं को भी ये दिशा निर्देश दिया है कि इस बार जो है 7 साल पूरे होने पर सारे के सारे कार्यक्रम जो है कोविड महामारी से लड़ने के लिए हो। उसी सिलसिले में आज जो है ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर सीएमओ साहब के सहयोग से यहाँ किया है, और इसमें ऑर्गेनाइजर के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नाम से है, लेकिन कुल मिला के इसका संदेश यही है कि समाज के लिए हमको काम करना है। और आज हम जगह जगह पूरे बूथों में भी जो है सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, मास्क वितरण का काम कर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से मोहिंदर नेगी की रिपोर्ट।